गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह जो हम है रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं। अभी मैंने साड़ी पहना है और क्या हुआ कि सुबह हम सोचे थे कि 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। रात को 12:30 बजे सोए हैं, थक गए थे तो दिन कम्प्लीट नहीं हुआ। तो अभी क्या है, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है, 6:50 हो रहा है, नहीं 7 बजने वाला है, तो लेट हो चुका है। अब निकलेंगे हम यहाँ से रीवा से। रीवा मैं बता दूँ, रीवा मध्य प्रदेश की जगह का डिस्ट्रिक्ट है शायद, वो नाम है, तो बीच में रीवा पड़ता है। तो एक पर हम जा रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं, तभी रेडी हो चुके हैं, चल रहे हैं। और आप लोगों को मैं रूम दिखाती हूँ, कैसा रूम है। अभी सब सामान वामान हमने पैक कर लिए हैं, निकलने वाले हैं। हाँ बोतल, हाँ एक लेते हैं। हाँ तो रेडी हो चुका है। और एक रूम था, हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाया था यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो ये है रूम, कुछ ऐसा है। अब हम लोग सो के उठे हैं तो थोड़ा सा फैला हुआ है। तो यहाँ पे एक अलमीरा था, अलमीरा में समा के दिखा दूँ, तो इस टाइप से अलमीरा था। और ये है यहाँ का बेड, ये बेड था। और ये है ड्रेसिंग टेबल, देख सकते हैं। तो ये चेयर भी लगा हुआ है, अगर किसी को कुछ काम वाम करना है लैपटॉप पे बैठ के तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ सामान रख सकते हैं। और ये मिरर हो गया, और ये हमने एक्स्ट्रा बेड लगाया था। इधर टीवी, और इधर निकलेंगे और इधर है बाथरूम, और इसके बाद जो है कुछ भी। किलोमीटर दिखा रहा है आगे 470, उसके बाद मिलेगा। तो हम यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा पैर सीधा करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे पैर हो गया था। और ये देखिए, इधर मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, ये दूर जा रहा था, बोला मैं जा रहा हूँ पहाड़ छू के आऊँगा वहाँ से। वो मस्ती कर रहा था, काफ़ी अच्छे व्यू थे वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बताओ, वहाँ से चल के आते इतने खाई में आते हुए। और ये अभी जैकब शहर आ रहा है, और ये रहा गांव चाहे सिटी जो भी है। अच्छा चलो भाई, मेरे बेटा बता रहा है क्या, मैं भी जो आता है मन में बोल देती हूँ। और ये पहाड़ से मस्त व्यू है, पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, बहुत अच्छा है। हमने तो चल चलो आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, डर लग रहा है थोड़ा सा। तभी यहाँ से है वहाँ तो बहुत खतरनाक, मुझे डर लग रही थी क्या कैप्चर हुआ है पता नहीं, क्योंकि धूप है दिख नहीं रहा है। धूप में क्या क्या कैप्चर किया नहीं पता। वो ट्रक है, हाँ वो ट्रक ओवरलोड है, कितना धीरे धीरे जा रहा है, स्लोली। भारी सामान लिया, कोई मशीन भी ले रखा है, ऐसा लग रहा है कोई लोहे का। यहाँ से मुड़ेगा, टर्न करेगा, फिर गांव शुरू हो जाएगा, जैसा कि मेरे अश्विनी महाराज बोल रहे हैं। मैं यहाँ से करती हूँ, हाँ हाँ तो फिर से नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे जो मैंने ऊपर से वीडियो बनाया था ना, रोड आया था ना, वैसे ही जाएगा। तेरे संग मेरे प्रीत मेरे शंकरा, तेरे संग मेरे प्रीत मेरे संग। छोटे छोटे खपरौल घर बन जाता ये तो, तोड़ तोड़ के देखो अभी, छोटे छोटे मरैया नहीं खपरौल, मरैया हमारे तरफ मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया था ना मोबाइल से, तो यहाँ पे मैंने ईयरफोन लगा लिया था, जिसकी वजह से कोई भी हमारा यहाँ पे आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और ये देखिए गाड़ी की हालत देखिए, गाड़ी में हमने बिल्कुल जो काफ़ी धूप आ रहा था ना, तो हमने कवर कर लिया था, अपने पास जो कपड़े थे टावल था उसी से, और टावल भी गीले थे, तो हमने सोचा इसी बहाने सूख जाएंगे। और गाड़ी को ना हमने बिल्कुल घर बना दिया है, सारे सामान बिल्कुल घर जैसे फैले हुए हैं। आप लोगों में बहुत लोग तो ऐसे हो जाता होगा, सबके साथ होता होगा, जो गाड़ी से थोड़ी लंबी जर्नी होती है तो कि कपड़ा भी थोड़ा सूखना जरूरी है। और यहाँ पर हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा सा जो है तो मस्त। ओए होए होए पीछे गैया है, बछड़ुआ है। अभी हम लोग जो है आए हैं ढाबा पे, गैया आ रही है कहीं मारे तो
उधर तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी थोड़ा कुछ खाएंगे। और पीछे ये जो ढाबा है ना, उसके पीछे साइड में आई हूँ। अच्छा लग रहा है, सारे आम के पेड़, आम एक भी नहीं लगा है। आम नहीं आए हैं, तोड़ लिया आम। हमारे घर पे तो सुनने में आ रहा है कि आम बहुत हुआ है। अब देखते हैं, चल के देखते हैं। मेरे ससुराल में आम के पेड़ पे तो हुए हैं आम, तो फिर दिखाएंगे वहाँ पे। अरे गैया बहुत, गाँव का माहौल ही मस्त होता है ना, गाँव बिल्कुल ही। ऐसा लग रहा है कि सारा सीट गर्म हो गया, जल रहा है। तुम नहीं बिछाओगे? लगा लगा लगा, रुक जाऊं क्या? बोलो ऊपर जा लगा। यहाँ भी पर्दा, कपड़े सूख रहे हैं हमारे। जिसको जिसको कपड़े सुखाना हो लेकर आ जाओ, कपड़े टांग देते हैं और कपड़ा सूखता रहेगा। बहुत जल्दी सूखेगा कपड़ा, बहुत तेज धूप है। ऐसा लग रहा है कि नागपुर से भी ज्यादा तेज धूप लग रहा है। हाँ उतना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, हाईवे है तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हम एंट्री कर चुके हैं बिहार में, देख सकते अपना बिहार में, देख सकते। बोलो जय बिहार। अभी तो बोली जोर से, जय बिहार, जय बिहार, जय भारत, जय बिहार। हाँ जोर से बोलिए, जय भारत, जय बिहार। तो साथ में जय भारत, जय बिहार, क्योंकि भारत है तो बिहार है। क्या देर में पहुँचते हैं अपने, क्या अच्छा छपरा कब तक पहुँचते हैं और कितना टाइम लगता है? अभी तो मुझे लगता है शायद तू कितना हो गया, कितना बचा? प्रणव प्रणव, कितना बचा अभी, कितना किलोमीटर मैं बता तो दो, चू चू करते रहते हैं। 191, मेरी बिंदी गिर गया, 191। अभी तो हवा में जादू है, वही वाला हाल है। फर्स्ट टाइम हम इस रूट से जा रहे हैं। पहले दिल्ली से जाते थे तो गोपालगंज जाता था, पहले कुशीनगर यूपी का, फिर गोपालगंज, फिर छपरा, तो दिल्ली का रूट था। अभी नागपुर से रूट आ रहा है, आ रहा, फिर से मिठाई दिख रहा है, रसगुल्ले दिख रहे हैं, बिहार के रसगुल्ले, बिहार के स्वीट। कहीं भी चले जाओ बिहार से स्वीट कहीं नहीं मिलता, हर थोड़े देर पे स्वीट के आ चुके हैं। अपना बस घर के जस्ट पास में है, तो हमारा रोड गाँव के सब, मतलब एक दो गाँव में भी बाहर है हम लोग, तो रोड किनारे घर घर रहते हैं। तो पूरे 1.5 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं, दिन हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वही अपना अलग ही होता है, अपना घर अपना ही होता है, अलग ही लगाव होता है। सब दो लोग बना रहे हैं, हमने स्वीट ले लिया, आते हैं घर पे, अब पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग घर पे। बीच में मार्केट पड़ता है ना, तो वहीं पे हम लोग रुक गए थे मार्केट में स्वीट लेने के लिए। फिर आगे छोटा सा मार्केट है, उतना मतलब ज़्यादा नहीं, दुकानें नहीं है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा दुकान मार्केट है, इसलिए ले लिए हम लोग। अच्छा